चेक करो। वेलकम बैक ओल्ड बुक अकैड फ्रेंड्स। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड जनरल्स, सो पिछली क्लास में हमने जनरल्स डिस्कस कर लिया था और अब हम आज जो है खातों के प्रकार या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी हम खाते या अकाउंट्स बनाते हैं उसके क्या है, दो पक्ष होते हैं, एक हमारा डेबिट होता है, दूसरा हमारा क्रेडिट होता है। प्रत्येक पक्ष जो हमारा होता है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ठीक है। तो जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें हमारे दो ही पोर्शन होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसी के आधार पर हमारे सारे अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर बात करें हम, तो हमारे दो ही तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट और दूसरा हमारा इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट आप सबको पता है ये हमारे कैसे होते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत खाते। इम्पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें तो अव्यक्तिगत है, व्यक्तिगत खाते। यही हमारे दो तरीके के ही अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ते हैं उसमें हमारे दो ही तरीके के अकाउंट होते हैं। तो व्यक्तिगत अकाउंट्स की अगर हम बात करें, व्यक्तिगत अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत अकाउंट्स जो हमारे किससे होते हैं, व्यक्तियों से संबंधित, व्यक्तियों से संबंधित जो हमारे खाते होते हैं वो हम कहते हैं व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते। तो यहाँ पे दूसरा हमारा आ जाता है इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल में हमारे क्या हो जाते हैं, दो तरीके के खाते हो जाते हैं। इम्पर्सनल की अगर बात करेंगे तो एक तो हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट, रियल अकाउंट हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा रियल अकाउंट और दूसरा हमारा हो जाएगा नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। तो ये हमारे यहाँ पे दो तरीके के हो गए, एक हमारा रियल अकाउंट और एक हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे किससे संबंधित होते हैं, वस्तुगत, इसे हम बोलते हैं वस्तुगत या संपत्ति खाते, वस्तुगत या संपत्ति खाते। दूसरा हमारा नॉमिनल जिसे था हम उसे बोलते हैं नाम मात्र, नाम मात्र के खाते, नाम मात्र के खाते। तो
आपने ज्यादातर जो पढ़ा होगा वो क्या होगा, एक तो हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारा रियल अकाउंट और तीसरा हमारा नॉमिनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है, डिटेल से अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर आपको पता होगा, पर ना नॉर्मल से लोग बस इतना ही जानते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो वो इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें हम अव्यक्तिगत खाते बोलते हैं। व्यक्तिगत खाते हमारे सिंपल सा एक ही होगा, जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं व्यक्तिगत खाते होते हैं, ठीक है? और जो हमारे अव्यक्तिगत खाते होते हैं उसमें संपत्ति खाते और नाम मात्र खाते। अब हम समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत जो खाते होते हैं, जहां हमारा कहा जा रहा है कि पर्सनल अकाउंट व्यक्ति से संबंधित खाते, तो किस तरीके के व्यक्तियों से संबंधित खाते होते हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो व्यक्तिगत खाते की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ले लेते हैं व्यक्तिगत खाते ही ले लेते हैं। अगर हम व्यक्तिगत खाते की बात करें, सबसे पहला हमारा यही टॉपिक हो जाएगा व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खाते। तो ये हमारे व्यक्तिगत खाते जो होते हैं ये हमारे तीन तरीके के होते हैं। नंबर एक, प्राकृतिक व्यक्ति खाते, ठीक है? दूसरा हो जाएगा हमारा कृत्रिम व्यक्ति, कृत्रिम व्यक्ति खाते। और नंबर थर्ड हमारा हो जाएगा प्रतिनिधि, प्रति निधि, प्रतिनिधि व्यक्ति गत खाते, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते। अगर हम प्राकृतिक खाते की बात करेंगे तो सबको पता है इसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल अकाउंट। कृत्रिम सबको पता है, कृत्रिम इसे हम क्या बोलते हैं, आरटी ऑफिशियल अकाउंट। और प्रतिनिधि जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव खाते, रिप्रेजेंटेटिव खाते। ये हमारे तीन तरीके के होते हैं।
अगर हम प्राकृतिक खाते की बात करें तो प्राकृतिक खाते में मान लो जैसे हमारे क्या आ जाएगा, ब्रॉड्स अकाउंट, राहुल अकाउंट, राम अकाउंट, तो ये हमारे प्राकृतिक जिन्हें हम नेचुरल अकाउंट बोल रहे हैं। कृत्रिम खाते या आर्टिफिशियली अकाउंट कहें तो बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, फर्म अकाउंट, उसके बाद में था हमारा प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव आके खाते। तो इसमें हमारे आ जाते हैं जो किसी प्रेजेंट करते हैं, पूंजी खाता जिसे हम बोलते हैं कैपिटल, कैपिटल पूंजी खाता। ये किसी को प्रेजेंट करता है, कहने मतलब पूंजी किसी ना किसी व्यक्ति से संबंधित होगी, ठीक है, या किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी व्यक्ति, मतलब जो उसका ऑनर है उससे संबंधित होती है हमारी पूंजी। फिर आहरण, आहरण जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग, ड्राइंग, ठीक है, ये भी किसी व्यक्ति से संबंधित होगा। फिर आ जाता है आउट स्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं बकाया, बकाया व्यय, बकाया व्यय खाता, बकाया व्यय खाता जो रह जाता है हमारा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, खाता। उसके बाद में हमारा होता है प्रीपेड, प्रीपेड सभी को पता है आजकल मोबाइल प्रीपेड ही यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पूर्व दत्त, पूर्व जो पहले ही हमने क्या कर दिया है, चुका दिया है, पूर्व दत्त व्यय खाता, पूर्व दत्त व्यय खाता, ठीक है, पूर्व दत्त व्यय खाता। उसके बाद में आ जाता है हमारा एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम जिसे हम बोलते हैं उपार्जित, उपार्जित आय खाता। फिर हमारा होता है एक अनअर्नेड, अन अर्न इनकम जो है हमारा, जिसे हम बोलते हैं अनुपार्जित आय खाता।
ये हमारे पर्सनल अकाउंट के प्रकार थे, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारे तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स के होते हैं। पर्सनल अकाउंट, अब हम समझ लेते हैं हमारा एक रह गया लास्ट, वस्तुगत खाता, जिसे हम बोलते हैं संपत्ति खाता। वस्तुगत खाता, वस्तुगत खाता या रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इसमें हमारा जिसे हम बोलते हैं माल या संपत्ति, माल व संपत्ति, माल या संपत्ति लेकिन बैंक और डेटर्स, डेटर्स को छोड़कर, डेटर्स को छोड़कर। तो माल एवं संपत्ति की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा? स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न और फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये हमारे माल एवं संपत्ति खाते में आ जाते हैं। उसके बाद में हमारा कैश, कैश बिल रिसीवेबल, रिसीव एबल, विल रिसीव एबल और फिर फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो ये हमारे वस्तुगत खाते में आते हैं, केवल कैश को छोड़ के, बिल्स रिसीवेबल को छोड़ के और फिक्स एसेट को छोड़ के, ये हमारे आते हैं वस्तुगत खाते में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं
नाम मात्र। ये हमारा कौन सा था? ये दूसरा था, ये तीसरा, नाम मात्र खाते, नाम मात्र खाते, या फिर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हमारे क्या होते हैं? लॉस एंड एक्सपेंसेस, खर्चे और हानियां, और इधर लाभ। इसमें हमारे क्या क्या आ जाता है? खर्चे में वेतन, वेतन मजदूरी, चुकाना, आग से हानि, बट्टा, बट्टा दिया, डिस्काउंट। लाभ हमारा होता है कमीशन, कमीशन प्राप्त, ब्याज प्राप्त, बट्टा प्राप्त। ये हमारा नाममात्र खाते में आ जाता है। जो भी हम खर्चा करते हैं या जो हमें लॉस होता है वो सब हमारे लॉस एंड एक्सपेंसेस वो नाममात्र खाता में ही आता है। उसके बाद में लाभ, जो भी हमें कमीशन होगा वो। तो इसमें अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम एंट्री करेंगे इसमें। तो इसके रूल्स क्या होते हैं? तो सिंपल सा है, तो चलिए इसी पे हम देख लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत खाता जो होता है तो इसका जो हमारा रूल्स कहता है वो क्या कहता है कि जो हमारा पाने वाला होगा, जो हमारा पाने वाला, पाने वाला जो होगा वो क्या होगा? हमारा डेबिट होगा और देने वाला क्रेडिट। तो रूल्स हमारा क्या कहता है? डेबिट द
रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, क्या कहता है, माल आया तो डेबिट माल गया तो क्रेडिट, तो यहां पे हो जाएगा व्हाट्स कम इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। फिर नाम मात्र की बात करें तो नाम मात्र में हमारा क्या हो जाएगा, ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम एंड गेंस क्रेडिट। तो ये हमारे रूल्स कहते हैं, तो ये हमारे इसके रूल्स थे। तो आई होप ये आपके क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आपके खातों के नियम जो हैं वो डिस्कस करेंगे, वेस्टर्न तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं, और फिर हम जनरल एंट्रियां स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और आई होप आपके ये समझ में आ रहा होगा। और ये टोटली रिवीजन क्लास है, ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है पहले से उनके लिए बहुत ही कारगर है ये क्लास और बहुत ही इफेक्टिव क्लास रहेगी। अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो उनका ये रिवीजन के पर्पज से बहुत बड़ी क्लास रहेगी। तो ये पीजीटी कॉमर्स, अगर किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स टीचिंग एग्जाम की, तो उस पर्पज से सुटेबल है और उस मेन उसी पर्पज से ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है बाकी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, उनके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल। तो थैंक्स।